बेगूसराय के बरौनी प्रखंड अंतर्गत देर रात राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बीहट निवासी प्रवीण पोद्दार की अचानक हृदय गति रुक जाने की वजह से मृत्यु हो गई। श्री पोद्दार की मृत्यु से राजद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। मृत्यु की खबर सुनते ही राजद परिवार के नेता एवं कार्यकर्ताओं अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर आकर पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा, पुष्प और माला चढ़ाकर अपने नेता प्रवीण पोद्दार के आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। राजद के जिलाध्यक्ष मोहित यादव, बेगूसराय जिला महासचिव मकबूल आलम, राजद नेता अशोक सिंह मुन्ना, तेगड़ा प्रखंड पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी नेता प्रवीण पोद्दार को पार्टी के झंडा और माला के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी। राजद नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में इलाज की जो स्थिति है, इससे बेगूसराय के डॉक्टर के द्वारा लापरवाही के कारण सैकड़ों व्यक्तियों को बेवजह मृत्यु के गाल में समाना पड़ता है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। मकबूल आलम, जिला महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय। आज बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे एक नेता, पार्टी के ईमानदार वफादार सिपाही, राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रवीण पोद्दार, बेगूसराय जिला बीहट निवासी, आज हम सबके बीच नहीं रहे। अचानक उनका निधन हो गया। जब उनकी तबीयत खराब होती है तो उनके परिवार वालों एम्बुलेंस के जरिया बेगूसराय जिला के विभिन्न अस्पतालों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनका इलाज करने को तैयार नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि वो उनकी जरा सी बुखार और सर्दी खांसी के बुनियाद पर उनका इलाज नहीं किया जाता है। डॉक्टरों के जरिया ये कहा जाता है कि कोरोना टेस्ट लेकर के आया जाए, कोरोना रिपोर्ट लेकर के आया जाए, तब मैं हाथ लगाऊंगा। इसके कारण ये हुआ कि 4 से 5 घंटा चक्कर लगाते लगाते हमारे नेता प्रवीण पोद्दार अपने जिंदगी और मौत का बीच का जंग जो है हार जाते हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि बिहार की डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बिहार सरकार बिहार वासियों को कत्ले आम करना चाह रही है कोरोना के आड़ में, इसलिए कि बिहार की कोई भी डॉक्टर अब पेशेंट कोई भी मरीज को देखने को तैयार नहीं है। सर्दी खांसी के नाम पर या बुखार, थोड़ी सी बुखार के नाम पर कोई छूने को तैयार नहीं है। इस सूरत में हमको लगता है कि अब वो हालात ऐसा बन चुका है पूरे बिहार या पूरे देश का कि अब कोरोना से तो बहुत कम लोग मरेंगे, लेकिन आम बीमारियों से, जो छोटी मोटी बीमारी होती है, उससे लोगों का मरना लाजिम हो गया है। आज अगर बेगूसराय जिले के कोई भी डॉक्टर अगर थोड़ा फर्स्ट एड का जो इलाज होता है अगर हमारे नेता प्रवीण पोद्दार के साथ अगर किया होता, तो ये हमको उम्मीद लगता है कि प्रवीण पोद्दार जी का निधन नहीं होता। इसलिए कि जो सरकार की लापरवाही है, लापरवाही का ही नतीजा ये है कि आज हमारे बीच हमारे नेता प्रवीण पोद्दार नहीं रहे।